दोस्तों, आप हैं मेरे चैनल पे और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी फाइनेंस करवाने जाते हैं रिजेक्ट क्यों हो जाता है, रीज़न क्या रहते हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं आपको जो रिजेक्ट हो जाते हैं, और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे आपके जो रिजेक्शन होती है वो कम हो। आपको इस वीडियो में पूरा प्रॉपर क्लियर तरीके से बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता देता हूँ कि रिजेक्शन क्यों होती है। देखिए दोस्तों, बजाज में दो तीन तरीके से रिजेक्शन होती है, वो क्यों होती है। एक तो हो गया -1 सिबल। -1 सिबल तब रिजेक्ट होता है जब डीलर की रैंकिंग डाउन होती है, ठीक है, जहाँ डीलर थोड़ा ज़्यादा फाइनेंस कर गया होता है, तो वो आप कस्टमर पे डिपेंड नहीं रहता है। ये मैं सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। एक तो हो गया तब, दूसरा हो गया 750 से नीचे सिबल स्कोर हुआ तो भी आपका जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। 750 के नीचे बहुत सारे जो केस ऐसे हैं वो आजकल अप्रूवल हो रहे हैं, अप्रूव हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो स्कीम्स हैं, बजाज फिनसर्व ने अपना जो सिस्टम है वो थोड़ा अपग्रेड किया है। जैसे कि लोगों ने पेमेंट तो करी होती है, आपने जो भी लोन, उन्होंने जो प्रीवियस लोन चल रहा होता है बाइक का, गाड़ी का, उन्होंने पेमेंट करी होती है, बट अपडेट नहीं होता है। बजाज फिनसर्व ने एक ऐप लाई है BFL लाइट, वो अगर आप डाउनलोड कर लोगे तो डाउनलोड करने के बाद आप फाइनेंस करवाने जाओगे तो अप्रूवल रेट थोड़ा सा इंक्रीज़ मिलेगा, थोड़ी उनको डिटेल ज़्यादा मिलेगी और वो आपकी जो अप्रूवल लेने में थोड़ी हेल्प करेगा। तो वो दोस्तों, जो आपने BFL लाइट में आपने जो नंबर डालना है वही आपने एग्जीक्यूटिव को देना है, जिससे हेल्प मिलेगी आपको भी। तो देखिए, 650 के 750 के नीचे जो भी फाइनेंस होते हैं, सिबल होते हैं, तो वो अगर फाइनेंस हो जाते हैं जहाँ कोई उनकी ओवर ड्यू नहीं रहती है तो अप्रूवल होने में चांसेस होता है, बट बहुत सारे केसेस में रिजेक्ट ही हो जाता है 750 के डाउन होने से। सिबल अगर डाउन होता है तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं।